हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूडेंट्स का हिंदी पर पेपर से स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं हमने अभी आपका फर्स्ट पेपर अपलोड किया था अब हम आपके लिए सेकंड पेपर लेकर आ चुके हैं बी ए थर्ड ईयर का इंग्लिश का और ये भी आपका 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू का पेपर है 23 कल अपलोड कर देंगे पेपर सेकेंड जो कि ड्रामा से है और पैटर्न वही है हंड्रेड नंबर का आपका पेपर तीन घंटे का आता है आंसर ऑल द क्वेश्चन इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं एवरी सेक्शन में मार्क्स आपके हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो आपका क्वेश्चन जा रहा है एम सी क्यू बेस जाता है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में और यहाँ पर मैं हर बार आपको बताती हूँ अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो इसमें पूरे के पूरे नंबर आपके आते हैं दस के दस नंबर आपको दिए जाते हैं मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अपना और क्वेश्चंस को धीरे धीरे अगर आप पढ़ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ और आप इस वीडियो को पोस्ट करके भी नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप एम सी क्यू बेस ऑप्शन ये रहे सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा ऑप्शन ये रहे हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन चार इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे सभी को फोर्थ क्वेश्चन के चार ऑप्शन यहाँ पर फाइव क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा इसके ऑप्शन ये रहे सिक्स क्वेश्चन ये रहा इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं ए बी सी डी इसके बाद सेवन क्वेश्चन आपका सेवन क्वेश्चन के ऑप्शन ये रहे फिर आपका एट क्वेश्चन एट क्वेश्चन भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स को फिर है हु आर द राइडर्स टू द सी इसके ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद आपका टेन क्वेश्चन टेन के ऑप्शन यहाँ पर वन ए पी सी D अब आते हैं आपके जो रेफरेंस टू द कंटेक्सट एनी थ्री यह आपका फर्स्ट पेपर में भी इस तरह का पैटर्न था बिल्कुल इजी पैटर्न है हिंदी का थोड़ा सा टिपिकल आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन आपको करने हैं कोई से भी पाँच में से और पंद्रह नंबर यानी कि तीन नंबर का आपका एक जा रहा है पहला कंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका रेफरेंस देना है आपको चलते हैं आगे सी पर सी में बहुत शॉर्ट है के बाद डी का है फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ई देख लीजिए यहाँ पर फिर है राइट शॉर्ट नोट ऑफ ऑन एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग इसमें से शॉर्ट नोट लिखना है पांच ऑप्शन है पांचों में से कोई से भी तीन आप लिख सकते हैं फिर इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें से आपको चार करने होते हैं पाँच में से पंद्रह नंबर का एक थोड़ा ये ब्लर है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिर दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका आर्म्स एंड द मैन फिर इसके बाद सी आर्म्स एंड द मैन फिर इसके बाद आपका डी यानी कि फोर फिर ये लास्ट क्वेश्चन आपका फाइव ठीक है चलते हैं आपके ऊपर ही यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं सभी ने मुझे लगता है स्क्रीन ले लिए होंगे तो आपको इसको लाइक करना है शेयर करना है जिससे ये वीडियो जो है बी ए ईयर के सभी स्टूडेंट्स तक तो पहुँच जाए और कंटेंट भी ये पहुँच जाए क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं